नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है जी, ये आपका पेपर है फिजिक्स का, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये आपका MET यूनिवर्सिटी का है। ठीक है जी, तो आइए देख लेते हैं। 60 अंक हैं इसके लिए निर्धारित और 3 घंटे समय है। सेक्शन ए में आप देख सकते हैं कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने हैं 5 में से, और प्रत्येक का जो अंक है वो 6 नंबर का है ना, तो 5 करने हैं। ठीक है जी, 5 करने हैं, 4 करने हैं 5 में से। ठीक है जी, तो देखो बेसिक पोस्टुलेट्स पूछे हैं आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो मैंने करा रखे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पोस्टुलेट्स हैं। आपसे लोरेंज स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पूछा है, डेराइव करवाना है, यानी लोरेंज की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर है। और फिर कह रहा है एनर्जी मास जो रिलेशन है ई बराबर MC स्क्वायर, उसे आपको डेराइव करना है। ठीक है जी, और फिर आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाओ, कॉम्प्टन इफेक्ट को समझाओ। ठीक है जी, चौथा क्वेश्चन में आपको क्या कहा, कॉमन इमीटर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है जी, कॉमन इमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक मैंने करा रखी है, इनपुट आउटपुट और करंट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सेकंड बुक का है। फिर इसके बाद देखो क्वालिटेटिव है ना डिस्कशन ऑफ फाइबर लॉसेस, ये आपका फाइबर लॉसेस ऑप्टिकल फाइबर जो यूनिट है पार्ट बी की 4th यूनिट का क्वेश्चन है, और एप्लीकेशंस भी पूछे हैं ऑप्टिकल फाइबर के, है ना। तो ये सारी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चन है। मतलब देखो 2 क्वेश्चन करने हैं 3 में से, 10 नंबर का एक है, ये सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पूछी है, फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पूछी है मैटर वेव्स की, आसान क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है। ठीक है जी, डायग्राम अच्छा बनाना है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस बताना है, यानी पूरा क्वेश्चन करना है। फिर RC कपल्ड एम्पलीफायर देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ बार बार। ठीक है जी, ट्रांसफार्मर कपल्ड पावर एम्पलीफायर ये भी मैंने करा रखा है, ट्रांसफार्मर कपल्ड पावर क्लास ए एम्पलीफायर है ना, वो वाला है ये। ठीक है जी, शॉर्ट नोट पूछा है आपसे बारकहाउज़ेन क्राइटेरियन फॉर सेल्फ सस्टेंड ऑसिलेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इसका बी पार्ट में देखो हार्टले ऑसिलेटर का एक न्यूमेरिकल दे रखा है, तो इसे आप देख लेंगे बुक वगैरह में दे रखा होगा। और फिर आप देखेंगे सी सेक्शन पे आ जाते हैं, सेक्शन सी में आपको क्या करना है। ठीक है जी, 16 नंबर के क्वेश्चन है, कंपलसरी हैं सारे। ठीक है जी, तो 9वां क्वेश्चन देखो 9वें में ए वेलोसिटी वो कह रहे हैं विद व्हाट वेलोसिटी किस वेलोसिटी से एक स्पेस शिप फ्लाई उड़ेगी कि जो प्रत्येक दिन स्पेंट होगा है ना इट में करस्पॉन्ड थ्री जो अर्थ वो अर्थ मतलब जो वहाँ पे जो एक दिन कटेगा वो अर्थ के 3 दिन के बराबर होगा, यानी टाइम डायलेशन का न्यूमेरिकल है ये। ठीक है जी, फिर देखो वेव फंक्शन आपसे पूछा है क्या होता है, एक्सप्लेन प्रोबेबिलिटिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन करा रखा है सब बॉर्न रूल के आधार पर। और फिर कह रहा है कलेक्टर टू बेस बायस पूछा है, देखो ये कलेक्टर टू बेस बायस इस बार इसने पूछा है, तो पूछ देखो कुछ भी सकता है, हालांकि इंपॉर्टेंट के अंतर्गत नहीं आता ये। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये MET यूनिवर्सिटी का पेपर है, इसे आप देख लेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।